हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे किचन क्वीन। तो आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे शेयर करने आई हूँ कि हर किसी के घर में बहुत ही चूहे होते हैं और चूहों से हम बहुत ही परेशान होते हैं। ऐसे में हम घरेलू उपाय क्या करें ये हमें पता नहीं होता है, तो मैं आज बताने आई हूँ कि आप घरेलू उपाय क्या करें चूहा भगाने की। तो चूहा इसे खा करके मिनटों में आपसे आपके घर से भाग जाएगा, वो फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घरेलू एक उपाय करेंगे। तो हम लेंगे ये आटा, थोड़ी सी हम आटा ले लेंगे और आटा में हम मिलाएंगे ये लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर हम भर भर के डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये तीखा होता है और जब ये खाए तो फिर दोबारा आपके घर में आने की सूरत ना करे, तो इसलिए हम इसे लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं, फिर दोबारा वो आएगा ही नहीं इसे खा करके। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ हम डालेंगे ये घी। घी इसलिए डालते हैं कि घी की खुशबू उसे बहुत ही अच्छी लगती है और जब घी डाल देंगे तो वो घी की खुशबू से ये खाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि वो छोड़ेगा, वो खाएगा ज़रूर। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ी हम मिला लेंगे पानी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा और पानी डाल देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम हाथ से ही हम जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर लेते हैं। इसकी भीनी भीनी बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। जब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से तो इसकी छोटी छोटी हम लोई बना लेते हैं। इस तरह से गोल गोल हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। तो हमने सबको छोटी छोटी लोई बना लिया है। अब इसे करना क्या है कि इसे किसी कागज़ में रख करके और इसे किसी कोने में डाल देना है, जहाँ चूहा आने की ज़्यादा संभावना होती है वहीं हम डाल देंगे। एक ही कोने में हम इसे कागज़ पे रख करके और अच्छी तरह से हम रख देंगे, तो चूहा खुद ही भी आके और इसे खाएगा और खा करके जब उसे तीखा लगेगा और इसकी भुनी खुशबू से वो आ जाएगा और खा लेगा, जब ये खाएगा तो इसे तीखा लगेगा तो वो निकल के बाहर चला जाएगा, फिर दोबारा घर में आने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ आने की ज़्यादा संभावना होती है वहीं आप डाल दें, कोने में या बेड के नीचे, किचन में किचन के स्लेब के नीचे, इन सब जगहों पर डाल दें। जो मेन जगहों पर जहाँ जहाँ हमारी अनाज रखी जाती है वहाँ डाल दें, इस जगह पर ज़्यादा आता है इसलिए वहाँ रख दे और वो बिल्कुल बेशक आकर के खाएगा और जब उसे तीखा लगेगा तो वो भागेगा जब। तो जब ये ट्राई कर ले आप और आपका रिज़ल्ट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपका रिज़ल्ट आया। 100% आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी उपाय है, हमने खुद ये टिप्स आजमाया है और हमें रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।